Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today our topic is excretion. और excretion का हम सबसे पहले introduction आप लोगों के सामने पेश करेंगे कि excretion है क्या. हम लोगों ने last time पिछले lecture में ये बात की थी कि homeostasis में एक बहुत important जो step है that is excretion, कि वो तमाम waste material जो कि आपकी body के किसी काम का नहीं है, जो आपकी body के अंदर toxicity वगैरह produce कर सकता है, उसको हम अपनी body से बाहर निकाल देते हैं for our own good. तो ये जो excretory system हमारा है इंसानों का, वो बहुत ज़्यादा modified है, लेकिन तमाम जानवरों में ऐसा नहीं है. हम इसको सबसे पहले categorize करेंगे कि different organism में excretion different तरीकों से किस तरह होती है. हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट प्लांट्स, दैट प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो किस तरह से होगी. हमें बताया कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जब प्लांट्स का रिएक्शन मुकम्मल होता है तो उसके नतीजे में दो तीन तरह की चीजें हमारे प्रोड्यूस होती हैं. सबसे पहले हमारे पास कुछ ग्लूकोज पैदा होता है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, प्लांट्स की बॉडी के लिए. इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो प्रिपेयर होती है ऑक्सीजन, जो कि एनवायरमेंट में रिलीज की जाती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंसानों के लिए और उन बाकी तमाम जानदारों के लिए जो कि ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं. इसके साथ साथ जो तीसरी चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज एनर्जी. इसके अलावा प्लांट के अंदर जब सेलुलर एक्टिविटीज हो जाती हैं तो बहुत सारे इस तरह के आयंस, एलिमेंट्स और बहुत सारे ऐसी नमकियात वगैरह जो कि प्लांट की बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो वहां से निकल जाते हैं. और बाज दफा अगर प्लांट शाम के वक्त, फॉर एग्जांपल रात के वक्त, जिस तरह प्लांट जो है वो अपना रिएक्शन कर रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमोसफेयर में फैल जाएगी. तो उस एटमोसफेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन. सो इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अबाउट एनिमल्स, तो एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है दैट इज फिसेस. फिसेस के अलावा वो तमाम इस तरह की नमकियात वगैरह, सॉल्ट्स वगैरह जो आपकी बॉडी में स्वेट के साथ निकलते हैं, दोज आर आल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो कि आपकी इंसान की बॉडी को नहीं चाहिए और बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड भी हम रेस्पिरेशन के नतीजे में बाहर निकालते हैं. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. नाउ अकॉर्डिंग टू आर बुक हम लोग इससे आगे चलते हैं, और इससे आगे चलेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद एक्सक्रीशन in plants. What is excretion in plants? Ladies and gentlemen, जो excretion in plants है, ये हम लोग अगर इसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ चीजों का मुख्तलिफ तरीकाकार होता है, और हमारे पास जो येलो लीव्स वगैरह बनते हैं प्लांट्स के, वो भी एक्सक्रीशन का ही एक स्टेप है. हमें ये लगता था कि अगर हमारे प्लांट का जो पत्ता है उसमें से क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट वगैरह खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस वजह से इसका कलर जो है वो येलोइश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है. बल्कि जब आपके पूरे प्लांट के अंदर पाए जाने वाले जितने वेस्ट मटीरियल हैं वो सारे के सारे जमा होते हैं और आके आपके पत्तों में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जब खिजा का मौसम आएगा, जब कभी पत्ते वजनी हो जाए, अमूमन वो रिदमिक साइकिल के मुताबिक वो खिजा का मौसम में ही तकरीबन जो है वो उनका एक्सक्रीटोफोर बनता है, तो वो पत्ते झड़ जाते हैं और उसके साथ जितने वेस्ट मटीरियल है वो भी प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. सो इन पत्तों को हम लोग बेसिकली नाम देते हैं एक्सक्रीटोफोर्स का. नाउ दीस एक्सक्रीटोफोर्स दे प्ले अ वाइटल रोल इन द एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के एक्सक्रीशन में इनका बड़ा वाइटल रोल है. अब इसके बाद हम अगर एक और इंपॉर्टेंट बात करें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नेचुरली इस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं कि उनकी जो सेंट्रल वुड है, जो उनकी वुड का सेंट्रल पार्ट है उनके स्टेम का, वो स्टेम के अंदर बहुत सारे इस तरह के वेस्ट मटेरियल स्टोर करवा देते हैं जो उनकी बॉडी को नहीं चाहिए, और जब कभी वो पौधे अपनी मैक्सिमम एक्सटेंट को पहुंचते हैं तो अपनी तिबई मौत यानी कुदरती मौत मर जाते हैं, और फिर उसके बाद हम उनको काट देते हैं. वो जो सेंट्रल पार्ट जो ब्लैक हो जाता है उसका, उसको हम लोग नाम देते हैं हार्डवुड. दिस इज हार्डवुड. हार्डवुड है. इसके साथ साथ हम लोग बार दफा इस हार्डवुड का जो सिर्फ सेंट्रल जो पोर्शन है उसको ब्लैकवुड भी का नाम दिया जाता है, इस तरह उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है. सो ये इसके डिफरेंट नेम्स वगैरह हैं, और वो एक ऐसा पौधा जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है जो आपकी बुक में गिवन है, दैट इज इबोनी. नाउ दिस इज द प्लांट. ये आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई आप लोगों ने इसको याद रखना है. इसके अलावा हमारे पास जो प्लांट के ओवरऑल रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के नतीजे में डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकलते हैं. सो दिस वॉज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.